हेलो दोस्तों, मैं मधुकर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रो मधुकर चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि किस एलईडी में आप कौन सी रेजिस्टेंस एवं डायोड लगाकर एलईडी को ग्लो कर सकते हैं एक वेरिएबल वोल्टेज पे, जैसे कि 220 एसी वोल्ट पे कौन सी डायोड एवं कौन सी रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करें और 12 वोल्ट पे कौन सी रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करें आप एलईडी के साथ। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल सके, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी के पास तो ऐसी वाली छोटी वाली एलईडी या फिर थोड़ी सी बड़ी वाली एलईडी होगी जो कि 3 वोल्ट पे रन करती है। तो दोस्तों इसमें बड़ी वाली लेग होती है वो प्लस होती है, आप देख सकते हैं, और ये छोटी वाली लेग माइनस होती है। और दोस्तों इसको हम ग्लो करने के लिए लगभग कम से कम दोस्तों 1.5 वोल्ट इसको चाहिए होती है ग्लो करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 5 वोल्ट तक ये ग्लो करती है, उसके बाद फ्यूज हो जाती है। तो ये दोस्तों ये वाली बैटरी जो है ये 4 वोल्ट की है। मैं आपको इसको चेक करा देता हूँ मल्टीमीटर से। ये रहा मल्टीमीटर दोस्तों, आप देखते रहिए, मैं यहाँ पे माइनस प्लस किया तो दोस्तों आपको भी नहीं दिख रही है, थोड़ा रोशनी इस पर ज़्यादा रहा दोस्तों, देख लीजिए आप। अब ये कि दोस्तों इस पर ये बैटरी 4.16 वोल्टेज ये चार्ज है, तो इस पर ये वर्क हो रही है दोस्तों, ये वर्क कर रही है, ये 5 वोल्ट तक, लगभग 5.5 वोल्ट तक वर्क कर जाएगी। अगर यदि हम दोस्तों 12 वोल्ट से इसको रन करते हैं तो ये फ्यूज कर जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये 12 वोल्ट वाली अडेप्टर है, मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करा देता हूँ इसमें कितनी वोल्ट आ रही है। ये डुअल साइड वाली अडेप्टर है तो उसको देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 12 वोल्ट आ रही है, देख लीजिए दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं एलईडी को यदि मैं इसको लगाता हूँ इसके अंदर वाली साइड में दोस्तों प्लस और बाहर में माइनस होती है, तो मैं इसको लगाता हूँ तो दोस्तों अभी देखिएगा, अभी थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है और ये फ्यूज हो चुका है। आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, आप सभी के सामने ये फ्यूज हो चुकी है एलईडी। मैं ग्लो करके आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं एलईडी नहीं ग्लो कर रही है, मैं आपको विश्वास ना, तो मैं इसको उल्टा भी करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, तो एलईडी फ्यूज हो जाती है। तो दोस्तों आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि इसमें आखिर कौन सी रेजिस्टेंस लगाएं कि हमारी एलईडी 12 वोल्ट से ग्लो कर सके। तो दोस्तों उसके लिए आपको यूज करनी होगी मात्र एक एलईडी के साथ, ये मैं नया एलईडी ले लिया हूँ, एक एलईडी देख सकते हैं ये ग्लो कर रही है। तो इसमें आपको यूज करनी होगी एक रेजिस्टेंस जिसकी दोस्तों वैल्यू है 1K। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये वाली है रेजिस्टेंस, ये इसकी आप कलर कोड देख लीजिए दोस्तों, ब्राउन, ब्लैक, रेड और गोल्डन। दोस्तों ये है इसकी कलर कोड, और इसमें आप किसी भी लेग में माइनस प्लस वाली किसी भी लेग में आप इसका एक सिरा लगा दीजिए, इसमें प्लस माइनस रेजिस्टेंस में नहीं होता है। और दोस्तों ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की दुकान पे ये मात्र 1 रुपया में पड़ जाएगी, 1 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी ये वाली रेजिस्टेंस। आप इसको एक लेग पे लगा दीजिए किसी लेग पे। और दोस्तों अब मैं आपको इसको ग्लो करके दिखाता हूँ, इस प्रकार से मैं इसको मोड़ लिया हूँ और अब मैं आपको इसको ग्लो करके दिखा रहा हूँ। तो ये अभी मैं उल्टा लगाया हूँ, ये अंदर प्लस और बाहर में माइनस देख सकते हैं दोस्तों, ये 12 वोल्ट पे वर्क कर रही है, ग्लो कर रही है हमारी एलईडी। यानी कि दोस्तों ये फेक वीडियो नहीं है, ये रियल जो भी है। और इसमें आपको दिखा देता हूँ 12 वोल्ट आ रही है दोस्तों, ये नहीं कि 4 वोल्ट आ रही है, आप देख लीजिए दोस्तों पूरी 12 वोल्ट आ रही है इसमें। अब दोस्तों फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये अंदर में प्लस बाहर में माइनस देख लीजिए दोस्तों, ये ग्लो कर रही है एलईडी। अब दोस्तों आप लोगों को ये दिमाग में होगा तो ये तो हो गया भाई, अब 220 एसी वोल्ट पे कौन से एलईडी का इस्तेमाल करें। दोस्तों इसके लिए ठीक ठाक ये वाली एलईडी लगती है मुझे, ये दोस्तों आपको 1 रुपीज पर पीस मिलेगी ये वाली एलईडी, और इसको देख सकते हैं दोस्तों ये ज़्यादा रोशनी कर नहीं करती है, इंडिकेटर के लिए, इस प्रकार के इंडिकेटर के लिए इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों इसको आप खरीद लीजिए, इसमें भी उसी प्रकार से बड़ी वाली लेग प्लस की है, छोटी वाली लेग माइनस की होती है, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें लगाने के लिए हमें यूज करना होगा इस प्लस वाली या फिर माइनस वाली सिरे में एक डायोड का, ये है डायोड और रेजिस्टेंस का, ये देखिए डायोड दोस्तों, ये IN4007 वाली डायोड है, आपको 1 रुपीज पीस पड़ेगी। और ये है दोस्तों 100 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस, इसकी कलर कोड देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये भी 1 रुपीज आपको पीस पड़ेगी, दोनों एक एक रुपीज की पड़ जाएगी। और दोस्तों आपको ले लेना होगा डायोड, और प्लस में अगर आपको लगाना है या फिर माइनस में, तो प्लस में लगाना है तो दोस्तों जो इसका सिल्वर वाला सिरा है दोस्तों, देख लीजिए
ये सिल्वर वाला सिरा दोस्तों प्लस होता है, तो प्लस में लगाना तो सिल्वर वाला सिरा, या फिर आपको दोस्तों माइनस में यदि कनेक्ट करना है तो ये ब्लैक वाली सिरे को आपको इसमें कैथेड को, इसको कैथेड कहता है ब्लैक वाली सिरे को, और वाइट वाली को एनोड। तो दोस्तों आप इस प्रकार से कनेक्ट कर लें। मैं इसमें प्लस वाली सिरे में इसको मैं सोल्ड कर लूँगा। और दोस्तों ये रजिस्टेंस है, आप बगल वाली सिरे में अगर आप इसको प्लस में लगा रहे हैं डायोड को, तो इसको माइनस में किसी एक साइड से रेजिस्टेंस को आप लगा लीजिए। और उसके बाद दोस्तों मैं इसको अभी सोल्ड कर लूँगा अच्छी तरह से। दोस्तों आप इसको सोल्ड कर लीजिए, या फिर इसको ऐसे उसको प्लायर के साथ ऐसे इसको मैन दीजिए। देख सकते हैं दोस्तों मैं इसको सोल्ड कर लिया हूँ और मैन भी लिया हूँ। अब दोस्तों इसे हम आपको चेक करके दिखाते हैं। दोस्तों आप कोई भी एलईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इस साइज वाली, ये स्पेशल इंडिकेटर के लिए आती है तो ये ठीक है। तो दोस्तों ये चार्जिंग वाली है, ये सॉकेट है जो इमरजेंसी लाइट की होते हैं, तो इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं प्लग में लगा कर इसका अभी स्विच को ऑफ कर दूंगा मैं। तो दोस्तों आप भी अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये अभी शॉक लग सकती है आपको। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें वोल्टेज, वोल्टमीटर में अपना, तो अभी मैं इसको आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। अभी मैं इसको मल्टीमीटर को 700-750 पे इसको वोल्ट पे एसी पे सेट कर दूंगा। और दोस्तों आपको दिखा दूं जी, इसमें वोल्टेज आ रही है। दोस्तों मीटर थोड़ी मेरी डैमेज है, पर दोस्तों वोल्टेज दिखा रही है, यानी कि इसमें वोल्टेज आ रही है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ एलईडी को दोस्तों कनेक्ट करके इसमें, और देख सकते हैं दोस्तों ये थोड़ी मीटर जो है मेरी, ये थोड़ी डैमेज है, इसकी बैटरी शायद लो हो गई है, पर दोस्तों ये वर्क करती है, दिखाती है। अब मैं इसमें आपको एलईडी को लगाकर दिखाऊंगा। तो पहले हमें स्विच को ऑफ कर देना है, और ये एलईडी है, आपको दोनों में से कोई भी इस लगा देना है, दो सिरे में दो वायर के जो हमारे एसी के होते हैं उसमें। और देख सकते हैं मैं इसमें कनेक्ट कर दिया हूँ और ऐसे ऑन किया, तो देख सकते हैं दोस्तों ये ग्लो कर रहा है एलईडी, यानी वर्क कर रहा है हमारा ये सर्किट। और दोस्तों देख लीजिए आप अच्छी तरह से इसको। तो दोस्तों अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हूँ, जिसमें मैं रखा हूँ गिव 775 DC मोटर का, तो आप जाइए उस वाले वीडियो को देखिए और 775 DC मोटर जीत जाइए। दोस्तों और एक और बात, आपको किसी भी खास टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो, या फिर किसी भी टॉपिक की प्रॉब्लम हो उस पे वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं आपका उस प्रकार की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और दोस्तों आपको इस वीडियो में कोई भी परेशानी हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।